दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इसी धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहां आपको दूर दूर तक कोई इंसान देखने को नहीं मिलेगा, तब आप जाहिर है आप हैरान हो जाएंगे और शायद यकीन भी ना करें। मगर सच किसी की मोहताज कहां होती है। हकीकत यही है कि इस धरती पर वाकई एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे दुनिया की सबसे अकेली जगह माना जाता है। दोस्तों, इस जगह को पॉइंट निमो कहा जाता है। ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है नो बडी, मतलब वो स्थान जहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 7 अरब से भी ज्यादा आबादी वाले इस दुनिया में एक जगह ऐसी वीरान क्यों है। दरअसल पॉइंट निमो समुद्र के बीचों बीच स्थित है। दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित इस जगह को समुद्र का केंद्र भी माना जाता है। इस स्थान से दूर दूर तक कोई सूखी जमीन नहीं है, दूर दूर तक बस पानी ही नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि इस समुद्री स्थान पर किसी देश की सीमा नहीं आती, जिससे किसी का अधिकार नहीं है। अगर यहाँ से आप सूखी जमीन तलाशोगे तो सबसे पास का द्वीप करीब 2688 किलोमीटर दूर है और आपके सबसे करीबी लोग होंगे वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लोग, क्योंकि स्पेस में बैठे लोग यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर है। दोस्तों, यहाँ ना तो बहुत ही ज्यादा जीव जंतु है और ना ही वनस्पति। यही वजह है कि इस जगह को दुनिया की सबसे अकेली जगह माना जाता है। दोस्तों, पॉइंट निमो का समुद्र में क्षेत्रफल कितना है, अब ये सवाल आता है। वैसे 2,34,05,411 स्क्वायर किलोमीटर है और यह आकार में आज के समय का इतिहास के सबसे बड़े देश पूर्व सोवियत संघ से भी बड़ा है। पॉइंट निमो के क्षेत्रफल की दूरी नापने के लिए नॉटिकल मील की यूनिट का प्रयोग किया गया है, इसलिए पॉइंट निमो का समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, देखा जाए निमो पॉइंट किसी भी सूखी जमीन से सबसे दूर की जगह है, इसलिए अंतरिक्ष का कचरा गिराने के लिए यहाँ इस जगह को चुना गया है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई इंसान है और ना ही जीव जंतु और ना ही वनस्पति। ऐसे में इस जगह का इस्तेमाल स्पेस की खराब हुई सैटेलाइट को गिराने के लिए किया जाता है। यहाँ सैटेलाइट का ईंधन भी गिराया जाता है, क्योंकि अगर सैटेलाइट आबादी वाले जगहों पर गिरे तो लोगों को जान माल को नुकसान होगा। हालांकि इस वजह से इस जगह पर अब सैटेलाइट का कब्रिस्तान बन गया है। दोस्तों, पॉइंट निमो को नासा ने अपने काम के लिए डंपिंग स्टेशन बनाकर रखा है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी के मुताबिक यहाँ पैसिफिक ओशन की स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री है और यहाँ इंसानों की पहुंच से बहुत ही ज्यादा बताई जाती है। नासा के मुताबिक जो छोटे सैटेलाइट होते हैं ये पॉइंट निमो पर आकर नहीं बिखरते, क्योंकि ज्यादा घर्षण होने के कारण इनमें ऊष्मा निकलती है जो धरती पर पहुंचने से पहले ही इनको जलाकर खाक कर देती है। लेकिन फिर भी ये छोटे सैटेलाइट 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आ रही होती है। पॉइंट निमो की आवश्यकता तब होती है जब कोई बड़ी चीज जैसे स्पेस स्टेशन या स्पेस क्राफ्ट धरती पर वापस आ रहे होते हैं। इसके लिए बड़े टुकड़े वातावरण में पूरी तरह नष्ट नहीं होते। कारण यही है कि तेजी से धरती पर आते वक्त पूरी कोशिश होती है कि इन्हें पॉइंट निमो में लाकर छोड़ दिया जाए। दोस्तों, अगर हम साल 1971 की बात करें तो तब से लेकर 2016 तक पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियों ने 207 स्पेस क्राफ्ट इन जगहों पर गिराए हैं। रसिया स्पेस प्रोग्राम ने भी साउथ पैसिफिक हिस्से पर नजर बना चुकी है। इस दूरी वाली जगह पर अंतरिक्ष के कबाड़ को फैलाने की उचित जगह थी, लेकिन रसिया, जापान और यूरोपियन ने लाखों की संख्या में विघटित स्पेसशिप को यहां लाकर जल समाधि बनाई है। दुनिया के बहुत ज्यादा ही दूरी वाले जगहों को स्पेस का सेमरी भी कहा जाता है। अगर सन 1971 की बात करें तो यहाँ पॉइंट निमो पर रसिया के मीर स्पेस स्टेशन के 300 स्पेस क्राफ्ट यहाँ फेंके गए। लेकिन ऐसी गंदगी फैलाना वातावरण के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित और लाभजनक नहीं है, क्योंकि फेंके गए क्राफ्ट में से निकलने वाला वातावरण और उनमें होने वाले ब्लास्ट से हानि पहुँचने वाला कचरा एक बड़े एरिया में बुरी तरह फैल जाता है। बेशक ये क्षेत्र जमीन और एविएशन कॉरिडोर और शिपिंग लेन से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन नियम के अनुसार स्पेस एजेंसी को अपने क्राफ्ट को फेंकने से पहले न्यूजीलैंड और चिली को बताना पड़ता है, जिससे कि ताकि वो अपने नाविक और पायलट उस जगह से बहुत दूर ले जाए। और दोस्तों, यहाँ 1000 किलोमीटर दूर तक यह सैटेलाइट का मलबा फैला रहता है। देखा जाए तो अब तक पॉइंट निमो में सबसे भारी रूसी लैब अंतरिक्ष से 2001 में गिरी थी। दोस्तों, चाइना का तियांगोंग 1 एक स्पेस लैब संपर्क से टूट जाने के कारण लापता हो गया, जिसके कारण सभी चाइनीज परेशान है, क्योंकि चाइना के वैज्ञानिक अभी भी अपने टियांगोंग 1 लैब को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसकी स्पेस एजेंसी ने इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाए और ये लापता हो गया, और कंट्रोल खो जाने की वजह से अब ये धरती पर क्रैश होकर गिर सकता है। चीन के वैज्ञानिक ने इसके गिरने का अनुमान दिसंबर से अप्रैल के बीच में बताया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि वैज्ञानिक ने भी ये भी बताया है कि धरती के किस स्थान पर उतरेगा ये कोई कह नहीं सकता। चीन के वैज्ञानिक इसे पॉइंट निमो की ओर ढकेलना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल खो जाने के कारण वह ढकेल नहीं पा रहे हैं।
दोस्तों पॉइंट नीमो की खोज साल 1992 में एक सर्वे इंजीनियर हार्वेजो लुकाटेला ने की थी। 1997 में समुद्री वैज्ञानिकों ने पॉइंट नीमो के पूर्व में करीब 2000 किलोमीटर से एक रहस्यमय आवाज सुनी। ब्लू व्हेल की आवाज से भी ज्यादा शोर ने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया। कोई समझ नहीं पा रहा था आखिर ये शोर किस चीज का था। कुछ लोगों ने इसे दूसरी दुनिया की आवाज मान लिया तो कुछ रहस्यमय मॉन्स्टर की थ्योरी गढ़ने लगे। हालांकि यूएस नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म किया कि ये आवाज बहुत ही बड़ी बड़ी बर्फीली चट्टानों के टूटने के कारण पैदा हो रही है। दरअसल बर्फ के टूटने पर जो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है वह यही आवाज बनती है। दोस्तों कुछ भी हो, आज भी ये समुद्री इलाका वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है, पूरी तरह से अभी भी इसे एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। ऐसे में धरती पर मौजूद ये अनछुई जगह लोगों की दिल में जिज्ञासा पैदा करती है। और दोस्तों पॉइंट नीमो के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों अपने परिवारों को करें। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।